मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत चौधरी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। ये बयान दिया है अखिलेश यादव ने। दरअसल बीजेपी के आरएलडी से नजदीकी बढ़ाने और गठबंधन की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी में बेचैनी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन चर्चाओं को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। एक बार फिर सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं जयंत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वे धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, बीजेपी केवल मीडिया का इस्तेमाल कर गुमराह कर रही है। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। डिंपल यादव ने भी इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं नहीं मानती कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। और उनको राज्यसभा पहुंचाने में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है, आप लोग क्या संपर्क में हैं उनके पिछले से राजनीतिक तौर पर? मैं समझती हूं कि सात टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं। दावा है कि जयंत भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए में शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी तक दोनों ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी या फिर प्रतिक्रिया नहीं आई है।